बात अब बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की करेंगे, क्योंकि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेकर धार्मिक महाकुंभ का आयोजन करने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा दावा किया है। आज तक से बातचीत में धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया कि हिंदू राष्ट्र को लेकर संसद में कुछ होने वाला है। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि जिसके अंदर सनातन का खून होगा, जुनून होगा, वो दिल खोलकर हिंदू राष्ट्र को सपोर्ट करेगा, बोलेगा और करवा कर रहेगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन बोर्ड बनाने की भी जरूरत बताई। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पे महाराज जी। और हिंदू राष्ट्र का संकल्प, इसी को लेकर के यज्ञ हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, और अब तो कई दूसरे नेता भी जो है सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ सनातन को तो आगे आना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अगर जिसके अंदर सनातन का खून होगा, विलड होगा, जुनून होगा, वो दिल खोल कर ये बात को सपोर्ट करेगा, बोलेगा और वो करवा करके रहेगा। जिसके खून में दिक्कत होगी वो नहीं बोलेगा, तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने जब ये संकल्प लिया था, हिंदू राष्ट्र का संकल्प, तो आपको अंदाजा था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जो है बागेश्वर धाम में पहुंचेंगे? आज हमने देखा कि पंडाल जो है वो छोटा पड़ गया, पहाड़ पे चढ़ के लोग जो है वो आपका दरबार देख रहे थे। देखो, अंदाजा तो ऐसा है कि हमने सुना है कि बागेश्वर धाम पे अर्जी लगती है, पर्चा बनता है, तो हमें भरोसा अपने इष्ट पर अटूट है। और हमें तो ये भी अंदाजा है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो रहा है। आपके सनातन धर्म की जब बात आती है तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कह रही है अगर वक्फ बोर्ड हो सकता है तो भारत में सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। अच्छी मांग है, बहुत अच्छी मांग है, आई सपोर्ट। एक सवाल बस, हालांकि राजनीति में आज बोलते नहीं है, लेकिन आप स्वामी प्रसाद मौर्य को कहते हैं कि चीन को भस्म कर दें आप, अगर इतनी शक्ति आप। हम सनातन धर्म के संवाहक हैं और हमारे धर्म में किसी को भी दमन करना या हिंसा करना नहीं सिखाया जाता। शिक्षा देना हमारे धर्म की एक नीति है। अगर उन्हें ऐसा लगता है तो उन्हें पहले खुद जाकर ट्राई करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल बस स्वामी जी आखिरी में ये रहेगा महाराज जी कि एक ऐसे नेता थे जो पहले तो आप पे आक्रमण कर रहे थे, लेकिन उन्हीं की पार्टी के एक दूसरे नेता आए, वो आपके दरबार में आपका आशीर्वाद लेके चले गए, तो कौन सा डेकाडोन दिया जो आते हैं सबका स्वीकार, हम इन सब में ज्यादा कौन विरोध कर रहा है, पढ़ते नहीं। धन्यवाद है जो आए, बागेश्वर बालाजी का धाम है, सबको आशीर्वाद। आपके गुरु जी हैं वो कह रहे हैं भोपाल का नाम बदलना चाहिए, भोजपाल होना चाहिए, स्वामी भद्राचार्य जी महाराज वो कह रहे हैं भोपाल का नाम बदल। गुरुदेव भगवान जो बात बोलते हैं फैक्ट और एकदम भाव से, और जो हकीकत और सत्यता होती है उस पर बोलते हैं बदलना चाहिए, क्योंकि प्राचीन नाम वही है और व्यक्ति के प्राचीन नाम से जाना, स्थान को प्राचीन नाम से जाना जाना चाहिए। कब बन जाए भारत, क्योंकि बहुत मुफीद समय आपको लगता है कि अब हिंदू राष्ट्र के लिए तरफ बहुत तेजी से बढ़ गया, और खासतौर से इस अनुष्ठान के बाद और ये जो संकल्प आपने लिया उसके बाद से पूरे देश में एक तरीके से इस पे क्रांति आ रही है, बहुत जल्दी ये क्रांति से संसद में कुछ होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्होंने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, और साफ तौर पर जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है, जो संकल्प लिया गया है बागेश्वर धाम में, उस पर भी अपनी राय सामने रखी है। कैमरामैन अमरीश के साथ अवीश पाल सिंह, बागेश्वर धाम आज तक।